वैसे तो हमारी हर वीडियो से पहले हाइलाइट्स होती हैं वीडियो की, लेकिन ये वीडियो इतनी मजे की है कि आप सबको एंड तक देखनी है और इसकी हाइलाइट्स नहीं होंगी। सो लेट्स गो टू द अमेजिंग आरएम के। तो हम यहाँ रात को पहुँचे और उस वक्त जब हम इतना ऊपर आए हमें पता नहीं था कि इतना प्यारा व्यू है। तो सुबह उठ के हमें रियलाइज़ हुआ कि ये इतने प्यारे घर माउंटेन्स के बीच बने हुए हैं ऑन दिस वैली। और ये देखिए आप, दिस लाइक फ्लावर्स हेयर एंड देर इज क्लाउड्स राइट अप हेयर बिकॉज वी आर रियली रियली हाई। और आई कांट बिलीव ये व्यू इतना खूबसूरत है। हाँ तो बहुत खूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ चाहता है। हम लोग इस टाइम पे हैं केल में। कल रात को हम लोग काफ़ी देर से पहुँचे इसलिए हमने कुछ आप लोगों को ख़ास दिखाया नहीं। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं और ये काफ़ी ऊंचाई पे, ये मेरे ख्याल से 7200 फीट बुलंदी पे है ये जगह केल की, और इसीलिए आपको सामने जो है वो बादल नज़र आ रहे हैं। और ये खूबसूरत ये जो घर बने हुए हैं, क्या घर हैं, क्या कलरफुल घर हैं। तो हमारा प्लान आज का ये है कि हम लोग यहाँ से जाएँगे चेयर लिफ्ट की तरफ, उसमें बैठेंगे और वहाँ से ऊपर जाएंगे आरंग केल, जो कि मज़ीद मेरे ख्याल से आधे या पौन घंटे की हाइक है चेयर लिफ्ट जब जहाँ पे आपको छोड़ती है वहाँ से। तो इनाया जो है वो अभी दादा दादी के साथ हैं, हम लोग अपने रास्ते पे जाने वाले हैं। और जिस जगह हम लोग रुके हुए हैं इस जगह का नाम आप लोगों को अभी दिखाते हैं, क्योंकि बोर्ड बाहर है और मैं अंदर हूँ, मुझे बाहर जाना पड़ेगा बोर्ड दिखाने। आ जाए। तो भाई हम लोग जिस जगह ठहरे थे उस जगह का नाम है टूरिस्ट मोटेल और केल। तो केल हम आ चुके हैं और आरंग केल हम आने वाले हैं। तो आप लोग आ जाए हमारे साथ, आ जाइए। सो जो ये चेयर लिफ्ट है ये करीब आ रही है, और जितनी वो करीब आ रही है उतना मेरा दिल डूब रहा है बिकॉज मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। तो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ यहाँ खाली पेट, मुझे उल्टी ना है, आई एम रियली स्केयर्ड। लेकिन इसमें 8 लोग बैठ सकते हैं तो हम दोनों तो सही रहेगा इंशाल्लाह, हमारा इतना वजन नहीं है। तो ये खुमारा स्तम पैमाना बेथे, ये खुमारा स्तम मनाश के चश्मे मस्ते यार स्तम, मनाश के चश्मे मस्ते यार स्तम बेदे बेथे, ये खुमारा स्तम पैमाना बेथे के। सो गाइस चेयर लिफ्ट से दूसरी साइड तक पहुंचने में तकरीबन 2 मिनट लगे, विच इज़ लाइक फाइन। बहुत डर होना था वैसे, नीचे मैं देख रही थी, आई वाज जस्ट लुकिंग अहेड। इधर ठंड बहुत है, इट्स लाइक 7 AM, काफ़ी लोग हाइक करके चले गए, इट्स अ 1 आवर हाइक और हम तकरीबन 7000 फीट ऊपर हैं, तो थोड़ा सांस भी प्रॉब्लम हो रहा है। बट आई नो द व्यू इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग व्हेन वी गेट टू द एंड। तो अब हमने करनी है हाइक। Oh my god, बहुत मज़ा आया। It was, I highly recommend doing this. ये हाइक बिल्कुल स्टीप है और रात को बारिश हुई है, so it's really muddy. I think it takes 30 minutes on a good day. So we're almost to the top. हाँ जी। उतरते में बहुत ज़्यादा। ऊपर नाश्ता भी है। सब। लेकिन उतराई है तो थोड़ा सा ध्यान से। So guys, we are right at the top. अभी व्यू आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन तानी इज़ अ रियल गन। इसने रात को जो बिरयानी फोड़ी है ना, ये अब बर्न ऑफ कर रहा है। पाकिस्तान का मोगली हूँ मैं, टारजन हूँ मैं। क्या स्टिक लेके ये देखे बंदा क्या कर रहा है। वो गली बॉय था ना, मैं पहाड़ी बॉय हूँ। पहाड़ी बॉय।
कोरा ही कोरा है, धुंधी धुंध है, नीचे उतारो। मेरे बाप की दुआ में आइंदा इतनी ऊंचाई पे आऊं। नहीं नहीं बहुत मजा आया, हाइक मुश्किल है बहुत, क्योंकि स्टीप है, चढ़ाई चढ़ाई है, तो आपको सांस लेने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर आप रुकते रुकाते आए तो ठीक है, इतना बुरा नहीं है। नाश्ता करना है, थोड़ा चाय पी लेती हूं, क्योंकि अगर आप ज्यादा मतलब पेट अगर आपका भरा हुआ हो ना तो फिर नीचे उतरना जो है मुश्किल हो सकता है, और अगर नेचर कॉल आ जाए रास्ते में तो लग गए लसन, पैक हो जाएगी हालत आपकी। तो यहाँ पे टॉप ऑफ द माउंटेन चाय मिल रही है, बिस्किट मिल रहे हैं, और इधर लोकल्स भी रह रहे हैं, विच इज अ रियल सरप्राइज टू मी। आ जाओ फोटो लेनी है। Arriving in Arankil village seriously felt like we had landed straight into heaven. Kids were running around playing, their laughter filled the air, and the clouds were so close to us that it felt like we could touch them. The mountains and the grass were greener than ever, and it really did feel like home to me. Agar ek cheez mujhe mehsoos ho rahi thi wo sukoon tha, aur waqai mein kuch aisi jagah hoti hain duniya mein jahan pe jannati sukoon feel hota hai. Arankil unme se ek jagah hai aur main jaldi aake yahan camping karungi. Yahan pe hum log hain Arankil mein Zaid Khan ke sath, kitna pyara bachcha hai mashallah se, sare bachche bahut pyare hote hain, lekin yahan ke jo ye pahadi bachche hote hain na, ye sabse acche hote hain. Bilkul sada simple log. आपको अंडा पराठा पसंद है? नाश्ता किया आपने? कुछ खाया? खाया? भूख तो नहीं लग रही? तो हाजरीन और नाजरीन, हम लोग पहुंच चुके हैं आजाद जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादी में, जिसका नाम है आरंकेल। तो गाइस, हमने डिस्कवर किया है एक रॉ अनटच्ड विलेज इन आरंकेल इन कश्मीर, जो कि कश्मीर में है। यहाँ तक पहुँचे कैसे ये तो बताना पड़ेगा। अच्छा हाँ, रास्ता जो है वो काफी दुश्वार था। हमने सबसे पहले, हम लोग नीचे रुके थे जिस होटल में, उसका नाम था टूरिस्ट मोटेल केल, और वहाँ से 2 मिनट दूर जो है केबल कार का स्टेशन बनाया हुआ था, वहाँ से हमने केबल कार लिया। और वो केबल कार जो है वो कभी हाउस की तरह थी, जैसे वो गोरों के घरों में वो उन्होंने कुत्तों के लिए घर बनाए हुए होते ना, बिल्कुल उसकी मानिंद थी, लेकिन बहुत फिट थी, उसमें 8 लोग एक वक्त में बैठ सकते हैं, और वो आसमान की बुलंदियों को छूती भी आई है। मतलब बादलों में से, बीच में से हम गुजरते हुए, चीरते हुए बादलों को रास्ता बना के हम यहाँ पहुंचे, और उसके बाद फिर हमने हाइक किया तकरीबन 40 मिनट की, और वो हाइक बहुत दुश्वार थी, बहुत मुश्किल थी, लेकिन मजेदार थी। 2-3 दफा तो मैं स्लिप होने से बची हूँ, बिकॉज कल यहाँ बारिश हुई थी, देयर वाज स्नो फॉल ऑन द माउंटेंस जो हमारे सामने है, तो वो इंटेंस हाइक थी, वी गॉट स्टिक्स एंड एवरीथिंग, लेकिन जब हम ऊपर पहुंचे जो हमने देखा है, इट्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल रॉ ब्यूटी। हाँ, इस जगह को लफ्जों में बयान करना जो है वो मुश्किल ही नहीं, मेरे ख्याल से नामुमकिन है। अगर आप एक जगह को बोलना चाहना हेवन ऑन अर्थ, मैं मजाक, ये वाकई में जन्नत है। अल्लाह ताला, तुमने जन्नत दिखा दी हमें दुनिया में, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। हां, मैं खुश बहुत हूं। तो इधर लोग कैंपिंग कर रहे हैं, इधर लोकल्स रहते हैं जो इधर के विलेजर्स हैं, और यू वुड बी शॉक्ड इफ यू कम हियर। मतलब घूमो तो थोड़ा सा लोगों को व्यूज दिखाते हैं। अगर आपको सुकून चाहिए ना, दिस इज वन प्लेस आई हाईली रिकमेंड, या आए, या गेस्ट हाउसेस हैं, spend a few days there, even a week. आप लोगों को इधर एक वीक भी कम लगेगा। इधर आपको अगर जन्नती सुकून चाहिए, please come here, live in this area. आप अच्छा, and when you stay in the guest houses, affordable options भी हैं, luxury options भी हैं, which are under the army. तो अगर आप इधर रहेंगे, they actually cook your food fresh. मतलब इधर ही chickens हैं, वो उसको ज़िबा करेंगे, और मतलब वो वही ना आपके लिए फ्रेश बनाएंगे। और हमारी यहाँ पे अभी कुछ लोगों से बातचीत हुई है जो कराची से आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि कराची से लेके कश्मीर तक अभी तक जो उनको खाना मिला था वो अच्छा था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था जो उनको यहाँ मिला है। तो आरंकेल तुम लोगों का खाना भी अच्छा है, तुम्हारी मुर्गियाँ भी ताज़ा है, तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, ये जगह बहुत खूबसूरत है, इंडिया करीब है, LOC करीब है, हाथ हिला दो और चाय पियेंगे, वापस निकलेंगे केल, क्योंकि हमारी बच्ची इंतजार कर रही है दादा दादी के पास, और हम लोग फिर वापस जाएंगे इंशाल्लाह केरन, और फिर कोशिश ये है कि हम लोग आज ही मुजफ्फराबाद पहुंचे इंशाल्लाह।
तो आप लोग अगर केल की तरफ आ रहे हैं तो बीच में आप लोग स्टॉप ओवर ले सकते हैं शारदा में, और वहाँ पे आप लोग वाटर स्पोर्ट्स, इस तरह की एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जेट्स की हमने की थी, मोटर बोटिंग है, उसके अलावा दीगर और चीज़ें हैं जो आप लोग वहाँ कर सकते हैं। वो करते हुए आप लोग फिर कोशिश ये करें कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग निकले शारदा से, केल जल्दी पहुँचे, और फिर अगले दिन करें आरंग केल या फिर उसी दिन। और फिर यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप लोग स्टे करें, एक दिन के लिए नहीं आए, दो दिन गुजारें एटलीस्ट यहाँ पे, क्योंकि जगह वाकई में, एक दफ़ा आप लोग आएंगे तो आप लोगों का दिल नहीं चाहेगा वापस जाने का। हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो हम लोग आज वापस जाएंगे और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आरंग केल फिर आएंगे। मैं अभी इंतजार से यही कह रहा था कि हम लोग न्यूजीलैंड जब गए थे तो हॉबिटन हम लोग घूमने गए थे, मूवी सेट जो है ये हॉबिटन से 10 गुना ज़्यादा बेहतर है, और ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल ड्रॉ है हर चीज। और उसको मेंटेन करने के लिए, हाँ, वहाँ तो उन्होंने पूरी तैयारी करके, बंदोबस्त करके मूवी के लिए पूरा सेट बनाया था, यहाँ तो अल्लाह ताला ने ये सेट बनाया है भाई। बिलीव नहीं, मैं कर रही, ये रियल है। आप लोगों का नाम क्या है? और छोटू का? दानिश। मेरा नाम ताहा है। इम्तिसाल। हम लोग कराची से आए, बहुत दूर से आए। आप लोगों की जगह, इलाका बहुत खूबसूरत है। आप लोग यहीं के हो? स्कूल जाते हो? कोई ऊपर नहीं बैठ सकता केबल का? तुमने बैठना तो बैठ जाओ। कराची की W11 नहीं है। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो हमेशा के लिए आपके दिल में समा जाती हैं, और आरंग केल वाकई में उनमें से एक है। बाज़ औक़ात हम शहरी लोगों को ये लगता है कि हमारी ज़िंदगियाँ गांव और देहात के लोगों से निस्बतन बेहतर हैं। हमारे पास महंगी गाड़ियाँ हैं, बड़े आलीशान घर हैं, और ज़रूरत की सारी वो चीज़ें हैं जो उन लोगों के पास नहीं। लेकिन हमने दर हकीकत ऐसे छोटे गांव, देहातों और वादियों के लोगों को इसके बिल्कुल बरक्स पाया, और वो शायद इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे और ज़िंदगी की भाग दौड़ में लगने के बजाय दिमागी और दिली सुकून है। एक दूसरे के साथ बैठकर दो बातें करने का वक्त है, एक दूसरे को उनकी खुशी या फिर गम में याद करने की तमीज़ है। तो भाई फिर सही मायनों में अमीर लोग तो वो हुए ना यार। चले कौन से कराची है ना। हाँ। Danny found his friends here. Let's go. तो जलता है, जल्दी दे। सीओ तुम? और एक ये मुझे ये बड़ा ये हाथ में नहीं पहनते, ये वाला। अच्छा ये वाला बना दो। कितने साल की हो दोनों? यू नो दे डोंट नो देयर एजेस। इदार पत बस ये तू छूछी मो गरी का दे हाया वाओ रे मिदार पत बस ए आवाज जानी दुनिया जानी कमाते बार इजाजत बस। लोबिया नहीं था ये एक लोबिया भी एक लोबिया तो हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं शारजा में, और शारजा में हम लोग दोपहर का खाना जो है वो खा रहे हैं। हम लोग तकरीबन 10-15 मिनट पहले पहुंचे हैं केल और आरंग केल से। यहाँ पे हम लोग रुके हुए गिलानी होटल में, और इनकी जो दाल है माश दाल, उसके साथ ये छोले चने, बहुत ही मज़े बहुत ही लजीज है। और सुबह हमने नाश्ता नहीं किया था, व्हेन वी डिड द हाइक टू केल, तो अंडे तो एंजे इन्हें अंडे खाना। तो हम लोग हैं इस टाइम पे शारदा में, आज़ाद जम्मू कश्मीर, और हमारे पीछे खूबसूरत सी वादी है, ये पहाड़ियाँ हैं, ये हरियाली है, यहाँ के प्यारे प्यारे मीठे मीठे लोग हैं, और यहाँ के लकड़ी वाले खूबसूरत दिलकश काबिल दीद
घर है. Not just that, the handicraft here is next level. मैं obsessed थी हर चीज से. इधर की local लड़कियों ने मुझे bracelets करा के दी. The clothing here, it's insane. तो हम शारदा से आगे गए थे केल, फिर केल से आगे गए थे आरंग केल. And what an experience it was. मतलब मैं कल तार से लड़ रही थी, अब लाइक तुम वापस यहीं से चले जाते हैं शारदा से. हमारा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा यहाँ से जाने का, बट मैं मिसाल से ही कह रहा था यार हम कुछ दिन और रुक जाए यहाँ पे, मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है यहाँ से जाने का. लेकिन द जर्नी कंटिन्यूज, तो हमें जाना है और मुख्तलिफ जगहों पे और घूमना है और एक्सप्लोर करना है और आप लोगों को भी सैर करवानी है, खुद भी सैर करनी है. और उसके साथ ये कि हम बहुत खूबसूरत मेमोरीज, यादें, एक्सपीरियंसेस सब कुछ अपने साथ लेके जा रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि हम इंशाल्लाह वापस लौटेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर की वादी में, खूबसूरत वादी में. I'm gonna come back, I'm gonna stay in Arang Kel for sure. और वहाँ के बच्चे, वहाँ की औरतें, they stole my heart. They actually stole my heart. बहुत प्यारे, बहुत मीठे लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं एक अपनाइयत, एक खुशियत, एक पता नहीं एक प्यार, मोहब्बत, खलूस, हर चीज़ जो है वो एक अलग लेवल पे थी. मेरे पास लड़कियाँ आ रही थी, they were hugging me and they were like, are you from here? They were just so good. So I would highly recommend कि आप घर से निकलें, memories बनाएं. हाँ, वो कहीं पे भी बना सकते हैं, आप अपनी गली में बना सकते हैं, अपने शहर के किसी नागौरी में उस चौक के बाहर जाके भी बना सकते हैं. लेकिन अगर आप लोग यहाँ के बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ घूमने फिरने के लिए बहुत फिट जगह हैं, सैर तफरी के बड़े फिट किस्म के, आला किस्म के जो है मकामात हैं. तो आप लोग आएँ पाकिस्तान, घूमें, एक्सप्लोर करें, और अपनी और अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को याद रखें. चलते हैं. Ishqat tabar.